एक कहावत है, चोर चोरी से जाए सीना दोरी से नहीं जाए। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पिछले 5 वर्षों से ऐसा करती है। वो दोषी है किसान कर्जा माफी की, भ्रष्टाचार की, बेरोजगारी की और बदहाल कानून व्यवस्था की। और इसलिए गाहे बगाहे जब अवसर आता है तो मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए सियासी चालें चलती है। लेकिन प्रश्न ये है आज का कि उन्हीं की सरकार के, उन्हीं की मंत्रिमंडल के सदस्य जब सरकार पर सवाल खड़े करते हैं तो सरकार अपना जनमत खो चुकी होती है, क्योंकि ये उधार का जुगाड़ का जनमत था जो बीएसपी के लोगों को मर्जर से हुआ, 13 निर्दलियों के समर्थन से हुआ था। और इसलिए इस्तीफों से लेके और बाड़ाबंदी का जो दौर था राजस्थान की जनता ने देखा है। 5 साल में जो भुगता है उन पापों की सजा प्रायश्चित के रूप में कोई कारण दिखता नहीं है। अब कौन कहेगा राजस्थान का जो वो अबला जिसकी अस्मत लूटी होगी, ध्यान होगा आप लोगों को कि एम्बुलेंस के चालक से रोटी मांगती अबला जब भूख से बिलकती रोटी मांगती है उसकी अस्मत ले ली जाती है। थाना गाजी से लेकर और ओसिया तक की दुष्कर्म की घटना इस बात की स्पष्ट गवाह है कि राजस्थान की कानून व्यवस्था बदहाल हो गई। और उस पर कोर्ट में खाद का काम हुआ कि लाल डायरी बीच में आ गई। विद्यार्थी काल के डॉन फिल्म की याद आ जाती है जिसमें लाल डायरी में बड़े राज छुपे होते हैं और खलनायक कहता है कि डायरी में क्या है, वो कहता है जेजे और उसके सिंडिकेट के सदस्यों के नाम है, जेजे लखपति बनने वाला है। इसलिए उस लाल डायरी में हम ये जानना चाह रहे थे कि राजेंद्र गुढ़ा को बोलने दिया जाता जो उनका अपना अधिकार है। सदन में जो व्यक्ति जो मंत्री बर्खास्त होता है, जो व्यक्ति स्वेच्छा से इस्तीफा देता है उसको अपना स्पष्टीकरण देने का स्पीकर को एक तरीके की मर्यादा होती है कि उनको अवसर देना चाहिए था, क्योंकि इसकी उत्सुकता कल से ही है पूरे राजस्थान में, नहीं हिंदुस्तान में पूरी उत्सुकता है कि आखिरकार उस लाल डायरी में क्या है। मुझे लगता है कि सिंडिकेट के उन सदस्यों के नाम उजागर होने चाहिए, वो डायरी के अंदर जो राज छुपे हैं उसका खुलासा हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसी बात का झगड़ा था। उसके बाद कालांतर में जो घटनाक्रम हुआ उसका माननीय नेता प्रतिपक्ष ने आपको वर्णित किया है। लेकिन हम लोगों ने ये सदन में हमारी तरफ से पहले भी और अभी भी हम लोग आक्रामक रूप से सरकार की इस बदनीयति का मुकाबला करेंगे, सदन में भी करेंगे और सदन के बाहर भी करेंगे। लाल डायरी का कोई जिक्र तो हुआ, उसमें ये चीजें लिखी हुई है। गुढ़ा जी के साथ आपकी भी बातचीत होती है? मेरी गुढ़ा जी से कभी बात नहीं हुई, मैं उनसे कभी मिला भी नहीं। वो कांग्रेस के सदस्य है, आज कांग्रेस ने मैंने सुना उनको निलंबित किया है, विधायक दल के सदस्य है और अपने ही दल के सदस्य के साथ इस प्रकार मारपीट कराए और जिसके अंदर सरकार में बैठे मंत्री शामिल हो जाए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा धारीवाल जी ने भी लात मारी उनके, निश्चित तौर पर देखा हमने धारीवाल जी क्या कई धारीवाल जी लात मारने वाले हैं उनको। हमने लोकतंत्र के मंदिर को कलंकित करने का काम हुआ आज। और जहां तक लाल डायरी के रहस्य उद्घाटन की, वही तो हम मांग कर रहे हैं। अभी कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि उसमें आपके लोगों के नाम भी, हमारे नाम भी सामने आ जाएगी, पर अब चूंकि सदन की संपत्ति है लेकर आए वो और उसने बाहर जाकर दावा किया कि मेरी लाल डायरी की फोटोकॉपी है जो मैंने उस समय फोन से खींची थी, जब वो दावा कर रहा हूँ कल तक सही होगी। और मैंने विधानसभा में भी कहा था कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की,